अबे कहाँ जा रहे हैं? अभी हम आ गए पोर्ट के पास। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम गए थे कैलाश के लिए, कैलाश के से अभी रिटर्न आ गया, रूम पे आ गए। तो अभी प्लान कर रहे थे कि ऐसे सो जाए क्या, ऐसे सो जाते नहीं नहीं आए, मतलब कुछ ब्लॉग करेंगे, कुछ राइड करेंगे। तो सुबह तो भाजक रोड में हम लोग राइड किए, लेकिन रात का व्यू जॉनसन कैसा रहता है, तो इसी हिसाब से एक प्लान किया कि आरके बीच जाएंगे ना, आरके बीच और रुसिकंडा एक बीच है, तो उस रोड पे भी उसका लाइटनिंग शो वगैरह बहुत सारा लाइट, रात को तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा हमको पता नहीं है, तो हम जाएंगे उसका भी ब्लॉग करेंगे, उसी रोड पे हम राइड करेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं गाइस, देखिए ऊपर से कैसा दिख रहा है, यहाँ पे कैमरा नहीं है रे बाबा, मोड़ेंगे क्या हो गया, कार का कोई जाने नहीं दे रहा यही। ए भाई कैसा चला रहा है, देखो भाई मोबाइल पहले हो गया भाई, बहुत जोर हवा दे रहा है भाई, हवा तो बहुत जोर दे रहा है, समंदर के किनारे है ना इसीलिए थोड़ा हवा दे रहा है भाई। यहाँ पे पार्किंग वगैरह कुछ नहीं है, सब रोड के ऊपर ही रखे हैं, तो हम भी रोड के ऊपर रखेंगे। जॉनसन मार्केट बहुत सारा है भाई, थोड़ा यहाँ पे रुकते हैं। तो गाइस अभी मैं देखिए रुसिकुंडा जो बीच है, बीच के साइड में अभी एंजॉय करने के लिए इधर आया हूँ। तो साइड में मेरा साइड में आगे पीछे चारों तरफ ही लोगों ही लोग हैं, देख लीजिए। आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे जो उड़ीसा का, जो पूरी बीच का जो जितना मार्केटिंग है आप लोगों को दिखाया था, तो यहाँ पे ऐसा मार्केटिंग नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा का ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा ये सब फास्ट फूड वगैरह आप लोगों को मिलेगा, आइसक्रीम का ठेला देखो भाई, मोर मिक्सचर का ठेला देखो, और आप लोगों क्या दिखाऊंगा, ये सब देखिए एंजॉय कीजिए और कुछ नहीं। वहाँ पे देखिए यार नारियल का पेड़ बालू में, वहाँ पे गाइस देखिए एक लड़की पत्थर के ऊपर जंप कर कर के आगे बढ़ते जा रहा, आगे बढ़ते जा रहा, देखो उधर जाके वो फोटो खींच रहा है, मानना पड़ेगा भाई, उसके साथ को दाग देना पड़ेगा। अरे भाई को देखो बात कर रहा है, बात करते करते क्या पकड़ लिया भाई, क्या केकड़ा को पकड़ लिया, दिखा दिखा भाई बच्चे को पकड़े हो, उसकी माँ ढूंढती होगी भाई। अरे यार नहीं काट रहा है क्या, छोटा है ना इसलिए नहीं काट रहा है ना। हाँ अभी ए भागे रे, अबे कहाँ जा रहे को भाई ना, कैसा पकड़ा था, अरे बचा था इसने नहीं काटा क्या, आता नहीं तो काट लेता भाई, इन लोगों का पावर बहुत है। रात को इतना भीड़ रहेगा मैं कभी सोचा नहीं था, हाँ उड़ीसा में भी भीड़ रहते हैं लेकिन रात को नहीं रहते भाई, ये 2-3 बजे यहाँ पे 2-3 बजे भी रात में ही तो सब कुछ खेल होता है। कम से कम कोरोना नहीं होने से पहले यहाँ पे मैं रात को 2 बजे आया था, तो कम से कम यहाँ पे पार्टी वार्टी वगैरह मना रहे थे, किसी का बर्थडे वगैरह रहता ना ये सब रात को ही मना रहते थे। गाइस आप लोग समंदर तो देख रहे हैं, समंदर का लहर देख रहे हैं, फिर भी दूर दूर में दिखाई देता होगा शिप, यहाँ पे वो कोना में भाई, ये कोना में एक कोना में पॉट है जो शिप वहाँ से निकलता है, वहाँ पे गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट का भी है, और एक शिप उधर है, थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखे भाई ये एक जो शिप है, सब दूर दूर से जितना दिखा जा रहा ना सब एक एक शिप है भाई। गाइस ये देखिए सबमरीन, तो अभी हम सोच रहे थे अंदर जाके आप लोगों को दिखाने के लिए, अभी ये सबमरीन है
तो एक्चुअल में सबमरीन के अंदर छोड़ते हैं, सुबह छोड़ते हैं, रात को शायद 6 बजे बंद हो जाता होगा। लेकिन सबमरीन में क्या दिखाते हैं पहले, लेकिन सबमरीन कैसा रहता है और उसका अंदर कितना लोग काम करते हैं सबमरीन के अंदर, और कौन सा मशीन है और कौन कौन सा ऑपरेटर क्या क्या ऑपरेट करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। देखिए भाई, रात को मैं अपना इस समय जितना हो रहा है आप लोग दिखा रहा हूँ। ये देखिए सबमरीन म्यूजियम, गाइस हम लोग बहुत समय से कोशिश करते रहे कि यहाँ पे जंक्शन मार्केट कैसा होगा, और जंक्शन मार्केट यहाँ पे है कि नहीं ये हमको पता नहीं, लेकिन पता नहीं था लेकिन अभी मिल गया। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ है, और आगे तो खाने के लिए भी रखा गया भाई। आज क्या खाने के लिए मिलेगा, आज तो है सैटरडे लेकिन आज नहीं खा पाएंगे हम। क्या रेट है इसका? 60 रुपया, 60 रुपये एक पीस का। ठीक है, आ रहे हैं। मैं तो पहले से बोला हूँ कि आज नहीं खा पाऊँगा, आज सैटरडे है, मैं सैटरडे को कभी नहीं खाता हूँ, लेकिन उनको लगा कि मैं खाऊँगा इसलिए मेरे को बुलाएं। कोई बात नहीं, हम नहीं खाते हैं, कल खाएंगे। और एक चीज़ भाई लोग, आप लोगों को बोलना भूल गया, इसीलिए मैं भूल जाता हूँ ज़्यादा कि इधर इधर घूम रहा हूँ ना, नया जगह आया हूँ, थोड़ा सा जो कहने के लिए सोचता हूँ ना भूल जाता हूँ। क्या करें, जगह ऐसा ही है ना, देखते हुए मन का भर गया। लेकिन इसका और एक बात है, ये जो बीच है ये बीच बहुत साफ सुथरा रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जंक्शन मार्केट है ना, इसलिए थोड़ा सा कचरा तो होगा ना। हाँ भाई, थोड़ा सा कचरा तो होगा ना, ये तो होता है, कमल ही होता है ये सब। हम लोग क्या खाने के लिए, स्वीटकॉर्न खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, आगे पीछे ढूंढ रहे हैं, बाइक को खड़ा करके आए हैं, कम से कम 1 किलोमीटर हो गया चल के आए हैं, फिर भी अभी तक नहीं मिला, तो क्या करेंगे। फिर भी सोच रहे हैं मजबूरन होके हमको खाना पड़ेगा मूरी आइसक्रीम, यहाँ पे ज़्यादा ऐसा मिल रहा है, और आपको तो दिखा कि नॉन वेज यहाँ पे नॉन वेज बहुत ज़्यादा मिल रहा था। थोड़ा सा व्यू देखिए, ये है समंदर का सबसे खूबसूरत व्यू। गाइस देखो, इसको उल्लू बना के एक आइसक्रीम पकड़वा दिए हैं भाई। लेकिन आज का राइड मजा लग रहा है, ऐसा है क्या? आपने बाइक को क्या समझा, ये हायबुसा समझा क्या आपने बाइक को? भाई ये तो लग रहा है सबसे बहुत बड़ा होटल है भाई, नोवोटेल, बहुत बड़ा होटल है। और ये साइड में मैं देख रहा हूँ और भी बहुत बड़ा बड़ा होटल है, लेकिन ये होटल का ज़्यादा स्पेस है। भाई बोल रहा दबाओ बाइक को, ओके मैं दबाता हूँ अभी। अभी हम जा रहे हैं पोर्ट के पास, लेकिन भाई मैं लाइफ में कभी पोर्ट नहीं देखा। उस शिप में बैठना तो सबका मन है, लेकिन मेरा भी मन है, लेकिन शिप में मैं कभी बैठा नहीं हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि आगे लाइफ में शिप में बैठ पाऊँगा। यो फिश फिशर सर्वे ऑफ इंडिया,
यहाँ पे खाने के लिए साला सब नॉनवेज ही नॉनवेज, और ज़्यादा का ज़्यादा मक्का मूढ़ी ये सब ज़्यादा मिल रहा है भाई। दूर से दिखाई दे रहा है ना आप लोगों, अभी हम आ गए हैं पोर्ट के पास, मतलब थोड़ा सा गेट के बाहर है हम लोग। ये पोर्ट का बाउंड्री है, देखिए ये पोर्ट जहाँ पे है पोर्ट का बाउंड्री है, लेकिन हमको जाने नहीं देंगे, यहाँ पे काम करना पड़ेगा एक महीना के लिए, तब जाके कुछ काम कर पाएंगे, थोड़ा बैठ पाएंगे। हाँ खत्म।